नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत आप लोगों का हमारे चैनल टेक्निकल जीनियस में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपने थंबनेल पे और आपने टाइटल पे आपने पढ़ लिया होगा। दोस्तों अगर आप लोग अभी 14 सितंबर से पहले दोस्तों अगर आप अपने आधार कार्ड के अंदर डॉक्यूमेंट को अपडेट नहीं करते हो तो दोस्तों आपको पेनल्टी देना पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखो एक न्यूज भी निकल के आ रही है। इसका न्यूज का जो लिंक है दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, यहाँ पर आप देख लेना। यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि लास्ट डेट दोस्तों 14 सितंबर है। अगर उससे पहले अगर आपने डॉक्यूमेंट को अपडेट नहीं किया अपने आधार कार्ड के अंदर, तो हो सकता है कि दोस्तों आपको 1000 रुपए या फिर 500 रुपीज आपको पेनल्टी देना पड़ जाए। अगर अभी तक आप लोगों ने डॉक्यूमेंट को अपडेट नहीं किया आधार कार्ड के अंदर, तो दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि अपने आधार कार्ड के अंदर डॉक्यूमेंट को आप कैसे अपडेट करोगे बहुत ही सिंपल स्टेप में। ठीक है, तो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट करे। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अपने आधार कार्ड के अंदर डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए आपको कोई भी एक ब्राउजर को आपको ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च मारना है myaadhar.uidai.gov.in। ये आपको यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लॉगिन करने का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर और आपको कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के आपको लॉगिन विद ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो आपके आधार कार्ड के अंदर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उस पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है और आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आपको कैसे पता लगेगा कि आपका आधार कार्ड इसके अंदर लॉगिन है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका आधार कार्ड का फ्रंट साइड यहाँ पर आपको दिखेगा। फ्लिप आधार कार्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आधार कार्ड का पीछे का साइड आपको दिखेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे कन्फर्म हो चुका है कि हमारा आधार कार्ड इसके अंदर लॉगिन हो चुका है। अब इसके अंदर डॉक्यूमेंट को हमें अपडेट करना है। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए यहाँ पे कह रहा है 14 सितंबर से पहले अगर हम डॉक्यूमेंट को अपडेट नहीं करते हैं, इसके अंदर डॉक्यूमेंट हमारा अपडेट नहीं होता 14 सितंबर से पहले, तो दोस्तों आपको जो है पेनल्टी देना पड़ जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है, डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है, तो उसके लिए हमें इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है, दोबारा आपको नेक्स्ट करना है। और यहाँ पर आपका नाम, आपका जनरल, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस, ये सभी चीज़ यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों जब आप डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए जो भी आप आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर अपलोड करोगे, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड करोगे दोस्तों, उस डॉक्यूमेंट के अंदर भी दोस्तों सेम आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर उसमें कुछ भी गलती लगता है तो दोस्तों आपका ये जो डॉक्यूमेंट अपडेट का जो रिक्वेस्ट है इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आई वेरीफाई वाले ऑप्शन पे इस बॉक्स में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पर कह रहा है कि अपलोडिंग डॉक्यूमेंट का जो गाइडलाइंस यहाँ पे दिया गया है, जो कि दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट का जो साइज दोस्तों होगा वो 2 MB से कम का साइज होना चाहिए डॉक्यूमेंट का, और दोस्तों जो उसका फॉर्मेट होगा वो JPEG में या फिर PNG या फिर PDF में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर दोस्तों आपका इंडियन पासपोर्ट या फिर 10th की 12th की मार्कशीट या फिर माइग्रेन सर्टिफिकेट या फिर पैन कार्ड या फिर पासबुक, ठीक है, या फिर स्टेटमेंट, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। हमारे पास पैन कार्ड है, हम पैन कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ओके करेंगे और यहाँ पे व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर हम इसको अपलोड कर देंगे। दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अगर आपके पास ऐसा ग्रीन कलर का ऐसा लिखा हुआ आ गया, 100% ग्रीन कलर ऐसा लिखा हुआ आ गया, यानी कि दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि एड्रेस प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, यहाँ पर क्या क्या अपलोड कर सकते हो, यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे कि आपका बैंक का पासबुक हो गया, स्टेटमेंट हो गया, या फिर दोस्तों क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, गैस बिल हो गया, इंडियन पासपोर्ट, और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसके अंदर अपलोड कर सकते हो। हमारे पास दोस्तों पासबुक है, हम पासबुक वाला ऑप्शन यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट और यहाँ पर हम इसको ओके कर देंगे। उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर हमें अपलोड करना है, तो उस डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं पासबुक को। और अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर भी 100% लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, ये भी अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे एक्सेप्ट करना है टर्म्स एंड कंडीशन और आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है प्लीज कंफर्म योर डेमोग्राफी डिटेल्स इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको कंफर्म करना है, यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि ये सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि हमने 14 सितंबर से पहले हमने कर लिया, इसलिए हमें बिल्कुल फ्री में ही हुआ है। अब आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये दोस्तों 15 सेकंड का टाइम लेगा, 15 सेकंड वेट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, ट्रांजेक्शन सक्सेस लिखा हुआ आएगा आपका, पेमेंट एंड डेट और टाइम यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, अमाउंट 0, क्योंकि अभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब उसके बाद दोस्तों आप डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसका एक्नॉलेजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है।
या फिर दोस्तों आप गो टू डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप नीचे चला पाओगे तो यहाँ पर भी देखने की कोशिश करोगे सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन में। यहाँ पर दोस्तों हमारे यहाँ पे वैलिडेशन बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यानी कि दोस्तों हमारा जो डॉक्यूमेंट है हैंड टू हैंड यहाँ पर हमारा अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हो अपने आधार कार्ड के अंदर 14 सितंबर से पहले पहले आप कर लो। तो देखो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।